आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। सर, जिसको सरकार में रहने का निर्देश दिया जनता ने वो सरकार चलाएंगे, जिसको ओपोजिशन के रूप में काम करने का विपक्ष का भूमिका निभाने के लिए आदेश दिया जनता का वो निभाएंगे, पक्ष विपक्ष मिलकर के पार्लियामेंट चलाएंगे, ऐसा हमारा उम्मीद था। पार्लियामेंट चलने से पहले ही जो बयान और जो सोशल मीडिया में इन लोगों का पोस्ट और मीडिया में भी अखबारों में मैंने देखा है, ये देख करके सुन करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और वो भी जिस तरीके से झूठ बोल करके गुमराह करके बात को रखा, खास करके कांग्रेस पार्टी ने, मैं बहुत ही उसको एक अफसोस के साथ मैं कहना पा रहा हूं, मुझे शर्म आता है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का बातें करते हैं। सबसे पहले तो प्रोटम स्पीकर को लेकर के उन्होंने मुद्दा बनाया, पहले तो एक पोस्ट किया, ट्वीट किया, बाद में इसको पूरा देश भर में इन्होंने एक मुहिम बना दिया। इसको ये जो प्रोटम स्पीकर का पद है ये बहुत टेम्पररी, दो दिन का नए मेंबर को ओथ देने का एक सुविधा के लिए प्रोटम स्पीकर का पद जो है इसको ऑक्युपाई किया जाता है, फिर तीसरे दिन नए स्पीकर का चुनाव तक अपना भूमिका निभाते हैं। कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कुछ करना नहीं है और प्रोटम स्पीकर का एक लिमिटेड रोल है जो माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त किया जाता है, फिर प्रोटम स्पीकर